जोधपुर के अंदर ब्यूटीशियन की मौत को लेकर के आप सभी को बता दें कि आज 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन दिया गया। इसी के चलते हुए परिजनों ने 5 मांगे रखी हैं। हालांकि वह 24 घंटे बाद में धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, लेकिन उनका कहना है कि आसाराम को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी आरोपी का पता लगने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं। ऐसे में 5 मांगी क्या कुछ रखी गई, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ब्यूटीशियन अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर के परिजन 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। हत्या के विरोध में सरदारपुरा व्यापार मंडल ने सोमवार को बाजार बंद रखा। धरने में मौजूद लोगों ने कहा, पुलिस तो आसाराम जैसे बड़े बड़े आरोपी को गिरफ्तार कर लाई थी, सामान्य सा रफू काम करने वाला गुलामुद्दीन उनकी पहुँच से आखिर कैसे बाहर है, ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। परिजनों ने आरोप लगाया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए वह खुद ही धरना समाप्त कर देंगे, लेकिन आखिरकार उनके सवालों का जवाब कब मिलेगा। धरने पर मौजूद परिजनों और व्यापार मंडल के लोगों ने 5 मांगे रखी। इसमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच और जिम्मेदारी अधिकारियों को पुलिस कमिश्नरेट से हटाने की मांग की गई। 5 दिन के घटनाक्रम में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। वहीं पुलिस के लिए 4 बड़े सवाल हैं जो इस हत्या की गुत्थी को सुलझा भी सकते हैं। ऐसे में देखने की बात रहेगी कि कब तक इस मामले में खुलासा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए ताही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।